नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 7, अ सोलेनाइड हैज 250 टर्न्स। एक सोलेनाइड है जिसके टर्न नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 250 नंबर ऑफ टर्न है, एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी, और उसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितनी है, 2.4 मिली हेनरी। इसका मतलब है कि 2.4 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 हेनरी, ठीक हो गया। What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? When the current is 2 ampere, what is the flux in each turn? ठीक है, एक तो उसने हमसे flux पूछा हुआ है, ठीक है। What is the induced EMF when the current changes at 20 ampere per second? अगर current को हम change कर दें 20 एम्पेयर पर सेकंड से, मतलब एक सेकंड में 20 एम्पेयर चेंज हो रहा है, तो बताएं इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, ठीक हो गया। यानी क्वेश्चन में हमसे उसने दो चीजें पूछी हुई हैं। देखें, पहला कह रहे हैं कि एक सोलेनाइड है, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो 250 है, सेल्फ इंडक्टेंस उसकी 2.4 मिली हेनरी है, और करंट जो उसमें से फ्लो कर रहा है वो 2 एम्पेयर है, तो बताएं उसमें फ्लक्स कितना होगा, पहली चीज ये। और अगर हम कह रहे हैं कि हम उसका करंट चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना, 20 एम्पेयर पर सेकंड से, तो बताएं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, ठीक है। यानी उसने दो चीजें कौन कौन सी पूछी हैं, एक तो पूछी है फाई और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे हम पहले फाइंड करते हैं फाई क्या है। तो सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हम एक रिलेशन पढ़ के आ चुके हैं कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक हो गया। यहां से हम फाई निकाल सकते हैं, एल आई डिवाइडेड बाय एन, एल कितना है 2.4 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3, और आई कितना है 20, ठीक हो गया। आई और एल, एन कितना है 250 डिवाइडेड बाय 250, तो फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स हमारे पास इसका जो आ रहा, इसका जो आ रहा है वो कितना है, 1.92 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 5, 10 टू रेस पावर माइनस 5 वेबर, ठीक हो गया। यानी इतना फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट चीज उसने पूछी हुई है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा अगर मैं करंट को 20 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से चेंज करूं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है क्या होता है, L डेल I डिवाइडेड बाय डेल T। ये भी सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ के फार्मूला आ चुके हैं, ठीक है, जो लास्ट में उसका डिराइव हुआ था। तो यहां पर अगर देखें तो L कितना है 2.4 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 3, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है 20, तो यहां पर 20, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें से जो निकलेगा वो कितना आएगा, जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो 48 मिली वोल्ट, या हम इसको लिख सकते हैं कि 48 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। यानी इतना इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सोलेनाइड में अगर आप करंट को चेंज करें 20 एम्पीयर पर सेकंड के साथ, ठीक है। तो यही हमसे उसने पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, अ सोलेनाइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। कोई भी एक सोलेनाइड है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि अगर इसको मीटर में करें तो 0.08 मीटर। नेक्स्ट है कि एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय 10,000 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना था। नेक्स्ट इसका क्या उसने गिवन है कि हैज 520 टर्न, उस सोलेनाइड के टर्न कितने हैं 520 टर्न्स हैं, ठीक हो गया। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड, फाइंड क्या करनी है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड, ऑफ द सोलेनाइड व्हेन द कोर इज एयर। अगर कोर इज एयर है तो फिर यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक हो गया। इफ द करंट इन द सोलेनाइड इंक्रीज थ्रू 1.5 एम्पेयर, जो करंट है वो कितना है 1.5 एम्पेयर,
नेक्स्ट है इन 0.2 सेकंड टाइम कितना है, डेल टी कितना है, ये डेल आई है 0.2 सेकंड, अभी जस्ट डाटा लिख रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो कह रहा है कि एक सोलेनोइड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 0.5 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न उसमें 520, बताएं इसमें सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है, ठीक है, जबकि कोर उसके दरमियान कौन सा पड़ा हुआ है, कोई भी एयर है, ठीक है, व्हेन द कोर इज एयर। फिर कहता है कि अगर उसमें चेंज इन करंट, जो करंट इंक्रीज करे 1.5 एम्पेयर इन 0.2 सेकंड, बताएं उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक हो गया। तो इसके लिए दो चीज़ें हमने हमसे उसने पूछी हुई हैं, पहली चीज़ है कि सेल्फ इंडक्टेंस हमने फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड करना है जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में हम फार्मूला एक पढ़ के आ चुके हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्केयर ए एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में हम ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। तो वैल्यूज इसमें पुट करने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। म्यू नॉट एन हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे एन डिवाइडेड बाई एल का होल स्केयर और इन टू ए एल, ठीक हो गया। अब म्यू नॉट की वैल्यू कितनी थी, 4 पाई इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 7, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न 520, लेंथ कितनी है 0.08 मीटर और इसका होल स्केयर, ए एल कितना है, एरिया हमारे पास है 0.5 इंटू 10 टू रेस पावर माइनस 4। नेक्स्ट लेंथ इसकी कितनी है, फिर से 0.08, ठीक हो गया। तो इससे जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमारे पास आती है वो कितनी है, 2.12 into 10 to raise power minus 4 henry, ठीक हो गया। और यही उसने सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी। नेक्स्ट चीज हमने उससे पूछी है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए वही फार्मूला, एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो यहां पर एल की वैल्यू पुट करनी है कितनी, 2.12 into 10 to raise power minus 4, और डेल आई की वैल्यू कितनी है, चेंज इन करंट 1.5 एम्पीयर, तो 1.5 डिवाइडेड बाय डेल टी की वैल्यू कितनी है, 0.2 सेकंड, सारी वैल्यूज गिवन है, तो 0.2 आंसर कितना आएगा, 1.6 into 10 to raise power minus 3 volt, ठीक है। तो यही इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज में क्या होगी, प्रोड्यूस होगी जब करंट चेंज होगा 1.5 एम्पीयर, उसको इंक्रीज करेंगे मतलब चेंज करेंगे, तो इतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यूज में पुट होगी और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 9, व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पीयर टू 200 मिली एम्पीयर, यानी कि जो इनिशियल करंट है आई से शो कर रहे हैं वो कितना है, 100 मिली एम्पेयर, ठीक है, और चेंज कितना हो रहा है, 100 मिली एम्पेयर से हमने उसको बढ़ाकर 200 मिली एम्पेयर पे कर दिया, एफ से शो कर रहे 200 मिली एम्पेयर। अच्छा, इसको अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 100 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 3 एम्पेयर, और ये क्या बन जाएगा, 200 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 3 एम्पेयर, और ये क्या बन जाएगा, 0.1 एम्पेयर, और ये बन जाएगा 0.2 एम्पेयर, ठीक है। चेंज इन करंट कितना आया, डेल आई इज इक्वल टू आई एफ माइनस आई इंटू स्मॉल आई, तो 0.2 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.1 एम्पेयर, ठीक है, चेंज इन करंट 0.1 एम्पेयर आया। इन 0.005 सेकंड डेल टी कितना है, 0.005 सेकंड है। एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 40 मिली वोल्ट, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ, 40 मिली वोल्ट, जाहिर है हम करंट को चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो प्रोड्यूस हो गई, तो 40 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 3 वोल्ट आ गया, ठीक हो गया।
is produced in the coil. अब पूछा क्या गया है, what is the self inductance of the coil? Self inductance of the coil कितनी होगी? Next, find the increase in the energy stored in the coil. जो उस coil में energy stored हुई है, ठीक है, वो कितनी है, मतलब change in energy, क्योंकि उसने कहा है find the increase in the energy stored in the coil, मतलब change in energy उसने पूछी है. Del U is equal to UF माइनस यू आई, ये उसने क्या किया हमसे पूछा हुआ है, ठीक हो गया. तो ये क्वेश्चन था हमारा. अब वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा आंसर है इसका, बताते हैं किस तरह से. क्योंकि पहली चीज उसने पूछी है सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एल डेल आई डिवाइडेड बाई डेल टी, और फाइंड क्या करना है एल, तो एल इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इनटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल आई. तो यहां पर देखें फार्मूला क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, 40 इनटू 10 टू रेस पावर माइनस 3, और डेल टी की वैल्यू कितनी है, टाइम कितना चेंज हो रहा है, 0.005 सेकेंड, 0.005 सेकेंड डिवाइडेड बाई डेल आई कितने हैं, डेल आई ये है चेंज इन करंट 0.1 एम्पेयर, 0.1 एम्पेयर इसमें क्या है करंट है. तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कितना, इसका आंसर आ रहा है, अल्लाह का भला करे, तकरीबन 2 × 10⁻³ हेनरी, यानी कि 2 मिली हेनरी, यानी कि 2 × 10⁻³ हेनरी, ठीक हो गया. तो ये इतनी सेल्फ इंडक्टेंस उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी. सिंपल फार्मूला लगाना है, L इज इक्वल टू ई डेल टी बाई डेल आई आ जाएगा, ठीक हो गया. और यहां पर डेल टी की वैल्यू पुट करें, डेल आई की वैल्यू पुट करें, तो आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा आपका, ठीक है. नेक्स्ट उसने पूछा हुआ है कि चेंज इन एनर्जी कितनी आई है, तो पहले हम यू आई फाइंड करेंगे, फिर हम यू एफ फाइंड करेंगे, फिर उनका चेंज निकालेंगे, तो आंसर आ जाएगा. अब यू आई के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर में पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जो एनर्जी इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर हुई है वो बताएं कितनी है. तो यू आई इज इक्वल टू हाफ एल आई स्केयर, और ये कौन सा, इनिशियल वाला, ठीक है, एल आई स्केयर. तो यू आई पहले निकालेंगे 1/2, एल की वैल्यू कितनी निकली है, 2 × 10⁻³, आई यहां पर इनिशियल करंट हम लेंगे, क्योंकि हम चेंज इन एनर्जी उसकी देख रहे हैं, तो इनिशियल करंट पे उसकी एनर्जी कितनी थी वो पहले फाइंड करते हैं. तो 0.1 था वो करंट, तो 0.1 का होल स्केयर, तो ये कितना आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी उसकी तकरीबन 10⁻⁵ जौल आ जाएगी, 10⁻⁵ जौल, 10⁻⁵ जौल आ जाएगी. अब यू एफ फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये दोनों फाइंड करेंगे, फिर यू एफ माइनस यू आई निकालेंगे और चेंज इन एनर्जी निकल आएगी. तो 1/2 एल आई, अब एफ फाइनल करंट हम इसमें लेंगे, स्केयर इज इक्वल टू 1/2 एल कितना है, 2 × 10⁻³, आई एफ कितना है, 0.2 एम्पेयर, तो 0.2 का होल स्केयर, ठीक हो गया. अब इसके लिए जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो कितना है, 4 × 10⁻⁵ जौल, 4 × 10⁻⁵ जौल आंसर आ रहा है, ठीक है. अब हमारे पास यू एफ भी है, यू आई भी है, लिहाजा हम डेल्टा यू निकाल सकते हैं. तो डेल यू कितना निकलेगा, यू एफ की वैल्यू पुट करें, 4 × 10⁻⁵ माइनस 10⁻⁵, ठीक है. तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻⁵ जौल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁻⁵ जौल आंसर आ जाएगा. तो डेल यू का ये वाला आंसर है, ठीक है, यानी इतनी चेंज इन एनर्जी क्या होगी, उसमें इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर होगी जब हम करंट को 0.1 एम्पेयर से 0.2 एम्पेयर तक बढ़ा दें. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो मेरी वीडियो है सबसे पहली, उसमें मैं बता के आ चुका हूँ कि अर्थ भी एज अ मैग्नेट काम करती है, एक जॉइंट मैग्नेट है जिसके आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी पूरी अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड ने घेरा हुआ है, ठीक हो गया। तो वो वही कह रहा है कि लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्स एनर्जी, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज 7 × 10⁻⁵ टेस्ला। तो जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू 7 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, ये कोई अर्थ है रेड कलर की, ये कोई अर्थ है, और मैंने कहा कि अर्थ भी एज अ मैग्नेट काम करती है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या करती है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी साउथ पोल में, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पोल में, पूरी अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, और उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है स्पेस में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने फाइंड करनी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, 7 × 10⁻⁵ टेस्ला है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द स्पेस ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, यानी ये जो स्पेस है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इसने जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कितना है, 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, कितना ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। नेक्स्ट कहता है एंड हैज अ हाइट ऑफ 750 मीटर, और ये जो हाइट है ये कितनी है, 750 मीटर, एल से शो करेंगे इसको, 750 मीटर, ठीक है। और पूछा क्या गया है, एनर्जी, जबकि इसमें जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, स्पेस और एयर के लिए हम समटाइम सेम ही लेते हैं, 4 π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक हो गया, यानी हमने एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस मालूम करनी है जो अर्थ के बाहर है। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वाले टॉपिक में, यू इज इक्वल टू 1/2 B² / μ0 ln² A L, सिंपल, इसमें वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं 1/2, उसी तरह B² में 7.5 × 10⁻⁵ का होल है स्केयर, ठीक है, ये वाली वैल्यू उसने गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 3.14 × 10⁻⁷, ठीक है, 4 π × 10⁻⁷, और एरिया की कितनी है, 10 × 10⁸ मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी है, 750 मीटर है, और यू इसमें मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होगी वो इसमें कितनी निकलेगी, जो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो रही है 1.46 × 10⁻⁹ जूल, 1.46 × 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो ये क्या था, इसका आंसर था, यानी इतनी एनर्जी स्पेस में स्टोर होगी, और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि अ स्क्वायर क्वाइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर क्वाइल है जिसकी लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर, मतलब L इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यानी कि 0.16 मीटर, ठीक हो गया, एंड हैज 200 टर्न्स, उसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 200 हैं, एंड रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला, रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि कितनी है, 0.05 टेस्ला है। इफ द पीक EMF इज 12 वोल्ट, इफ द पीक EMF इज 12 वोल्ट, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल कितनी होगी, ओमेगा हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ओमेगा हमने फाइंड करना है। एक कॉइल है, एक स्क्वायर कॉइल है जिसके 200 टर्न्स हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, और उसमें जो EMF प्रोड्यूस होता है वो 12 वोल्ट है, बताएं उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला, इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू नवाब, ठीक है, एसी जनरेटर में आपको अटके ये फार्मूला आ चुके हैं, ठीक हो गया। अब यहां से हमने फाइंड क्या करना है, ओमेगा को, तो ओमेगा को इधर ही रहने दें,
बाकियों को उठा के इधर ले जाए, एन ए बी, ठीक हो गया। अब इसमें जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। किस तरह से, ई की वैल्यू कितनी है 12 वोल्ट, तो यहां पर पुट कर दें 12 वोल्ट। एन की वैल्यू कितनी है 200, तो यहां पर पुट कर दें 200। और ए होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक हो गया। इसकी भी वैल्यू आपको बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.05 टेस्ला। अब यहां पर देखें, स्क्वेयर क्वाइल है मतलब जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी विड्थ होगी, यानी ये भी 16 ही होगी, ठीक है। तो अगर ये 0.16 है तो ये भी 0.16 ही होगी। तो सिंपल हम यहां पर क्या करेंगे, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 200, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 0.16, और यहां पर आ जाएगा 0.05 है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। तो इससे जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकलेगी वो कितनी आएगी, 47 रेडियन पर सेकंड, 47 रेडियन पर सेकंड, यानी इतनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी उस स्क्वायर क्वाइल के जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, ठीक हो गया। तो यही उसने हमसे पूछा हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ जनरेटर हैज अ रेक्टेंगुलर क्वाइल कंसिस्टिंग ऑफ 360 टर्न। जनरेटर है और उसमें एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 360 नंबर ऑफ टर्न हैं। द क्वाइल रोटेट्स एट 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 420 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब रेवोल्यूशन पर मिनट है तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 420 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2π से, ठीक है। और मिनट है, सेकंड इसमें कितने होंगे 60 सेकंड, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा हमारे पास, 43.98 रेडियन पर सेकंड, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या उसने दिया हुआ है, पर मिनट इन 0.14 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की है, 0.14 टेस्ला अप्लाई की हुई है, ठीक हो गया। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर इज 50 वोल्ट। जो जनरेटर ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसकी पीक वैल्यू कितनी है, 50 वोल्ट है, ठीक हो गया। इफ द क्वाइल इज 5 सेंटीमीटर वाइड, अगर जो क्वाइल की विड्थ है W वो हो 5 सेंटीमीटर, यानी कि 0.05 मीटर हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड ऑफ द क्वाइल। लेंथ कितनी होगी, ठीक हो गया, क्योंकि रेक्टेंगुलर क्वाइल है और लेंथ और विड्थ सेम है नहीं होगी। तो बताया कि क्या है, एक क्वाइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न 360 है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी 43.98 रेडियन पर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर अप्लाई किया वो 0.14 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो उसमें प्रोड्यूस होता है वो 50 वोल्ट है, क्योंकि एसी जनरेटर हमें यही करता है कि मैकेनिकल एनर्जी उसको देते हैं और वो आगे से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। उस क्वाइल की विड्थ है 5 सेंटीमीटर और जो उस क्वाइल की लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है। तो फिर से वही चीज़ कि मैंने कहा था कि ये जो फार्मूला है ई नॉट इज इक्वल टू नवाब, ये चार न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है, ठीक है, एक जो इससे प्रीवियस था, एक अब इसमें यूज हो रहा है, तो वही फार्मूला यूज करेंगे जनरेटर वाला, नवाब एन डब्ल्यू ए बी, ठीक है, इसको बस नवाब से याद रखें, कभी ये भूलेगा नहीं। अब इसको मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, ए क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू मैग्नेटिक। अब हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, विड्थ दी हुई है और हमने फाइंड है लेंथ करनी है, तो लेंथ को सिर्फ उधर ही रहने दे, बाकी सब को उठा के इधर ले आए। तो एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सॉरी ई नॉट डिवाइडेड बाय एन ओमेगा, ये क्या है, ये ओमेगा है, ठीक है, एन ओमेगा है, और यहां पर बी और यहां पर ये विड्थ वाला डब्ल्यू, ठीक हो गया। अब इसमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ई नॉट कितने 50 वोल्ट, तो यहां पर पुट कर दें 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 360, तो 360 पुट कर दें, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 43.98
43.9 newton per second. मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.14 टेस्ला. तो 0.14 टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. विड्थ कितनी है? 0.05 मीटर. 0.05 मीटर, ठीक है. तो इससे जो हमारे पास लेंथ निकलेगी इसकी रेक्टेंगुलर क्वाइल की, वो लेंथ कितनी आएगी? 45 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगी. कितनी? 45 सेंटीमीटर. यानी कि ये लेंथ होगी उस रेक्टेंगुलर क्वाइल की, और यही हमसे पूछा गया था.